चुनावी साल में मौजूदा सरकार जहां हर वर्ग को खुश करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं सरकार ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसने प्रदेश के करीब 20 लाख से ज्यादा जो छात्र हैं उनको नाराज कर दिया है। जी हां, राजस्थान सरकार की ओर से कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनावों पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। बीती देर रात एक आदेश जारी हुआ उच्च शिक्षा विभाग की ओर से, जिसमें कहा गया कि इस साल छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, जिसके बाद ही पूरे प्रदेश के छात्रों में एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय सहित जो अन्य जिलों की यूनिवर्सिटी हैं और कॉलेज हैं, उसके बाहर छात्र बड़ी संख्या में एकत्रित हुए, नारेबाजी करने लगे, साथ ही सरकार का विरोध भी जताने लगे। इसके साथ ही राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर बीती रात जो सरकार है उसका पुतला भी दहन किया गया। इसके साथ ही छात्रों ने मांग कर दी है कि राजनीति की पहली सीढ़ी छात्र संघ चुनाव होते हैं और सरकार इन छात्र संघ चुनावों पर रोक नहीं लगा सकती है। आपको बता दें कि आज से 13 साल पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही छात्र संघ चुनाव जो बंद हो चुके थे उनको फिर से खोलने की घोषणा की थी, और कल के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि लिंगदो कमेटी की सिफारिशों का जमकर उल्लंघन होता है, छात्र शक्ति अपनी छात्र जो शक्ति है वह दुरुपयोग इसका कर रही है, पैसों की बर्बादी हो रही है, इसके साथ ही बाहुबल भी बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते छात्र संघ चुनावों को लेकर फैसला लेंगे, और देर रात एक आदेश जारी हो गया है। इसके साथ ही अब लगातार छात्रों में विरोध देखने को मिल रहा है। ऐसे में लगता है कि चुनावी साल में सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया है वो कहीं ना कहीं युवा तरुणाई को सरकार के खिलाफ खड़ा कर सकता है। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज, मैं हूं ललित वर्मा। जिस तरीके से राजस्थान सरकार के द्वारा आधी रात को आनन फानन में लोकतंत्र की हत्या करने वाला आदेश निकाला गया, छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, सरकार विद्यार्थी परिषद की न्याय यात्रा से डरी हुई है, विद्यार्थी परिषद की न्याय यात्रा में बेरोजगारों के पेपर लीक के मुद्दे, दूसरा बहन बेटियों के बलात्कार और अत्याचार के मुद्दे को उठाया गया, जिसमें छात्र आज सरकार से पुकार कर रहे हैं कि इन दो विषयों पर सरकार जवाब दीजिए। सरकार इस न्याय यात्रा से इतनी डरी हुई है कि सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर भी बैन लगा दिया है। विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मानना है लोकतंत्र में इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। आज सरकार डरकर इस छात्र संघ चुनाव पर बैन लगाने की बात करती है। लोकतंत्र की बात करने वाले लोग आज कहाँ चले गए, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या यही आपका लोकतंत्र है? क्या न्याय यात्रा से विद्यार्थी परिषद की या न्याय यात्रा से सरकार डरी हुई है? यदि है तो सरकार लोकतंत्र में छात्र संघ चुनाव कराने चाहिए। होशियार मीना, राष्ट्रीय मंत्री एबीवीपी। वो कौन आप गाड़ी रोकने वाले? मैं यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हूँ, छात्र हूँ, आज कैसे पकड़ रहा है मेरा तू? आज कैसे पकड़ रहा है? मेरे हाथ पकड़ क्या बोल रहा है? गाड़ी रोक के, गाड़ी रोक के, गाड़ी रोक के। मीडिया को बताना चाहता हूँ, हमारे साथ मारने की कोशिश कर रहे हैं, मैं मारने की राजा।